माना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि का काम होता है, और अच्छा करेंगे तो फिर इनको दोबारा मौका देगी पब्लिक। जी बेशक, देखिए ना, ये तो आपके सामने है, यहाँ देवरा बंधौली में 100 मीटर के अंदर में जिला परिषद मुखिया समिति सब है। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है, ऐसे में एक सच मैं दिखाने के लिए पंचायत चुनाव 2021 के रिजल्ट के बाद अब किस्मत का ताला तो खुला है, लेकिन एक ऐतिहासिक ताला है ये। जहां मैं आज पहुंचा हूं वो बंधौली पंचायत के क्षेत्र संख्या 14 से पंचायत समिति पद से जीत चुके हैं। साथ में हमारे हैं, सीधी बातचीत करेंगे पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट चुनावी चर्चा पे। सबसे पहले पक्की खबर की परिवार की ओर से इन सबको बधाई हो, और ये बताएं कि इस जीत को किस नजरिए से आप देखते हैं। मैं अब्दुल्लाहू समिति से मैं आया हूँ। इस जीत को मैं अपनी जीत नहीं, ये पूरी आवाम की जीत कहूँगा। और उन लोगों ने जो बहुत प्यार दिया है, इस वजह से वो तो बहुत अच्छे हैं, और ये जीत सारे आवाम की जीत है। कहीं ना कहीं आपकी जीत नहीं बल्कि पूरे आवाम की जीत, ये एक बड़ी बात है। एक अच्छे लीडर की पहचान है, और जीत का श्रेय जो है जो जिनकी वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है उनको दे रहे हैं। लेकिन बताएं ये कि क्षेत्र के लिए जो विकास का कार्य होगा, क्या संभव जो भी काम होगा वो पहुंच सकेगा लोगों तक? देखिए, हमारे अपने पंचायत में जो भी सरकारी योजना हो, जो संभव हो, मैं अपने लाभुकों को, अपनी जनता को वो लाभ दूंगा जो सरकारी योजना से आएगी। यानी हर एक योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक अपनाने की कोशिश करेंगे। एकदम पूरी उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, जिस तरह जनता ने मुझे चुन के लाया है, पूरी उम्मीद के साथ मैं पूरी उम्मीद के साथ जनता के साथ मैं दूंगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। वैसे पक्की खबर के माध्यम से इस जीत के श्रेय को हमें यहाँ आने के बाद ये पता चला कि अब्दुल बासित साहब का नाम जो कि इस जीत में बड़ा रोल रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी सही बात है, हमारे वो हमारे चचा थे, वो पूर्व मुखिया थे, और कहीं ना कहीं उनका योगदान है। वो आज गुजर गए हैं, चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, फिर भी उनका कहीं ना कहीं सम्मान है, जो सम्मान मुझे मिला है। कहीं ना कहीं ग्राउंड से आप लोग जुड़े, और जो पहले से ग्राउंड से जुड़े हुए थे उनका दोनों का प्लस पॉइंट होता गया, जुड़ते गए, और वो एक जीत में तब्दील हो गई, यही ना? यही बात है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। जी, इस जीत को जो कि एक पंचायत में एक अच्छे लेवल पे माना जा रहा है, ये जीत जो कि काफी अपने आप में नाम कमा चुका है पंचायत समिति के पद पे, बहुत सारे लोग जीतते हैं, लेकिन यहाँ जो जीत मिली है वो एक ऐतिहासिक जीत में शामिल हुआ है, आप क्या कहेंगे? हाँ सही है, और जो पब्लिक ने जो इनको भारी बहुमत दिया है तो उस पर खड़े उतरे, इनको भरोसा जताया, और भी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे लेकिन इनके ऊपर भरोसा जताया गया, अच्छा काम करेंगे, जो भी सरकारी फंड्स आते हैं सही जगह पे पहुंचना चाहिए, और सबके दुख दर्द में काम आना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि का काम होता है, और अच्छा करेंगे तो फिर इनको दोबारा मौका देगी पब्लिक। कहने कहीं ये अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे, ये आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है, और अंजाम देना भी चाहिए इनको, इन पर पब्लिक ने जब भरोसा जताया है तो इनको बिल्कुल अंजाम देना है, और जो भी सरकारी फंड्स आते हैं उनको सही जगह पर यूज करना है। हमारी बात अभी हो रही थी बात असली पंचायत के 20 वर्ष तक मुखिया पद को संभालने वाले एक असली लीडर गालिब साहब से, वो बता पा रहे थे और वो अपना अनुभव शेयर कर पा रहे थे, पंचायत समिति के जीत पर वो बधाई देने आए हैं, और उन्होंने हमसे बात की पक्की खबर के माध्यम से, आप तक ये मैसेज दिया। हमारे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद आफाक। आफाक साहब, ये जो जीत है इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी यही कहेंगे कि जीते हैं तो इसको पब्लिक के साथ ही अच्छे से मुक्ति करें, और काम हम जो हो तो खिलाने से सबको देखभाल करें जी, अच्छी नज़र से सब देखता है, आप देखें कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट जो है सामने लाना है, लोगों के बीच लाना है ना? ठीक,
और भी कुछ कहिएगा ना, और क्या करेंगे। चलिए तो अभी यहाँ पर युवा भी है, युवा से भी जानना चाहेंगे, युवा की भी राय लेंगे कि पंचायत समिति के इस जीत को किस नजरिए से देख रहे हैं। शॉर्ट इन वर्ड आप भी कुछ कहें। पंचायत समिति की ये जीत है, सबसे पहले कि ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से एक अब्दुल बासित मरहूम साहब अपनी फैमिली से है, उनके ये भतीजे अब्दुल महबूद जी, उनकी बहू जो कैंडिडेट थी शहनाज बेगम जो जीत चुकी हैं और लोगों ने कहीं ना कहीं अपना एक विश्वास इन पे किया है, एक विश्वास मत वोट दिया है, और उस मत जो मत है उस मत का मिसयूज ना हो, उसका कारण उसका रिजल्ट तभी आएगा जब ये सरकारी फंड जो भी आते हैं और वो जिसका हक है वहां तक ईमानदारी से पहुंचाना वो हम लोगों का कर्तव्य है और उस कर्तव्य पे खरे उतरेंगे। आप एक युवा है, क्या लगता है 100% ये होगा? 100% नहीं, 110% मैं कोशिश करूंगा कि 110% हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस है और जीत के बाद का यकीन है। वैसे और भी युवा है यहाँ पर, लेता हूँ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फिर युवाओं से मिलता हूँ, उनकी क्या राय। तो आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दे ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर पहुंच सके आप तक सबसे पहले। सबसे पहले मैं यहाँ की युवाओं का राय जानना चाहूंगा। युवाओं में जो जोश और खरोश का माहौल था, इससे पहले एक वीडियो आप तक आया था पक्की खबर के माध्यम से जिसमें युवाओं ने एक जोरदार नारा दिया था। अब वही युवाओं में से बहुत सारे फेस चेंज भी है, बहुत सारे वो भी है। इन सब से अब चर्चा करना चाहेंगे कि इनकी मेहनत रंग लाई है, इनके वो नारा, इनका वो जोश और जुनून आज जीत में तब्दील होकर आया है। अब इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि अब ये इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। पंचायत समिति पद से क्षेत्र संख्या 14 से बंधौली पंचायत से जीत चुकी हैं शहनाज बेगम जी और यहाँ पर एक युवा है, इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या राय है। जी सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मंसूर आलम हुआ, यहीं के रहने वाले जी। बेशक, क्या लगता है ये जीत और ये मौका, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम युवा बहुत बहुत बधाई देते हैं अब्दुल महबूद साहब को जो पंचायत समिति जीत के आए हैं और उनसे यही उम्मीद रखते हैं। और ये जीत हम लोगों की नहीं, पूरी पंचायत की जीत है देवरा बंधौली, ठीक है। और हम लोग यही उम्मीद रखते हैं इनसे कि हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, अच्छा हो, ठीक है। तो अगली बार हम लोग इन्हीं को चुन के लाएंगे। कहीं ना कहीं अगली बार के लिए भी अभी से बुक कर रहे हैं आप लोग? जी बेशक, क्योंकि इनकी छवि ये पावर में नहीं भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना काल में सबके मदद किए हैं, ठीक है। और इनका कहीं ना कहीं हर जगह हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, इनके देखते हैं, उठ बैठ रहते हैं सब जगह पे। कहीं भी किसी को जरूरत पड़ती है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, 24 घंटा 24/7 ये अवेलेबल रहते हैं। और 24/7 की बात कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी आपसी मिलन आपसी एकता की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये जो जीत का जो खेल हुआ है ये मोहब्बत की मेल है। जी बेशक, देखिए ना ये तो आपके सामने है, यहाँ देवरा बंधौली में 100 मीटर के अंदर में जिला परिषद मुखिया समिति सब है, तो ये क्यों है? यहाँ के लोग आपस में एक है, बिल्कुल एक है और एकता दिखाया है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब पे एकता है, सब लोगों अच्छे वोट से लीड किए हैं क्योंकि जनता इन्हें सराहा। वाह, एक युवा की सोच, एक युवा की राय, दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे थे कि इस तरह का निकल कर आएगा, लेकिन ये एक मेल और एक एकता में बल जो होता है ये वो वॉइस, इस युवा का ये आवाज नहीं, ये एकता के बल का आवाज है जो कि निकल कर आ रहा है। वैसे इसी बीच हमारे बीच आ चुके हैं इस पंचायत के 1200 वोटों से लीड करने वाले मुखिया जी, जो कि पंचायत समिति जी को बधाई देने के लिए आए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अब इस मौके पर ये भी आए हैं तो इनसे भी चर्चा कर ही लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं जी, कुछ कहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जनता को, उन मतदाताओं को जो एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर थे क्षेत्र संख्या 14 से 1 से 8 में अब्दुल महबूद साहब को विजय प्राप्त कराया और एक अच्छे लोगों को चुना है। और लगता है कि कहीं ना कहीं जनता, इस पंचायत की जनता भ्रष्टाचार से उब गई थी और अच्छे लोगों को चुन के लाई है और अब जो है इस पंचायत का विकास की रेल जो है वो काफी तेजी से चलेगी और जनता का पुनः धन्यवाद देता हूँ। कहने के ही पक्की खबर की टीम को बहुत सारा व्यू मिला, उसमें एक व्यू ये भी मिला कि युवाओं ने भी काफी सराहा है और आप भी युवा और लगभग जो भी कैंडिडेट आए हैं सब युवा हैं, लगता है विकास का गंगा बहने वाला है।
बेशक चूंकि पूरी दुनिया में आप देखते हैं तो युवा में जो कार्य करने की एक शक्ति होती है तो वो सबसे ज्यादा होती है, चूंकि इंसान जब उम्र बढ़ती है तो हर चीज की ताकत कमती है, इसलिए युवा की शक्ति एक अलग शक्ति होती है। और कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट युवा जीत करके आए हैं, मैं चुना हूँ पंचायत समिति सदस्य में या हमारे यहाँ एक पटाइट से जिला परिषद में भाई चेयरमैन जीत करके आए हैं, क्षेत्र संख्या 15 से जकी अशरफ साहब की पत्नी रिजवाना बेगम जीती है, तो कहीं ना कहीं इन सबको जिताने में यहाँ की युवा का सबसे बड़ा योगदान रहा है और उन लोगों ने युवा ने मिलकर युवा को चुना है और इस पंचायत का विकास उसी रफ्तार में होगा जिस रफ्तार में एक युवा दौड़ते हुए अपने मंजिल को पहुंच जाता है, उसी तरीके से अब इस पंचायत का विकास भी दौड़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंचेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पक्की खबर से आपकी बात की होगी। इन बातों से यह लगता है कि खासकर मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊं अगर और एक पत्रकारिता के नजरिए से देखूं तो पंचायत चुनाव 2021 पूरे युवाओं के सीट को भरकर रख दिया। युवाओं का जो सोच है वो पिछले ईयर से लेकर अब तक बदल नहीं रहा है, कंटिन्यू हर सीट पे आपको युवा लाने की कोशिश है और लगातार सफलता भी मिल रही है, जिसका नतीजा आपको इर्द गिर्द में भी अगर आप कैमरा चलाएंगे या देखना चाहेंगे नजरें आपकी धोखा खा जाएंगी कि ये बात मैं कोई कहानी या बनावटी बातें नहीं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं, ग्राउंड जीरो से कह रहा हूं। ये देखिए यहां पर ज्यादातर आपको युवा मिलेंगे, समर्थक भी युवा और नेता भी युवा, यानी लीडर भी युवा होंगे और उनके चाहने वाले भी युवा होंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र भी युवा बनेगा, क्षेत्र में भी और विकास का काम होगा, क्षेत्र भी मजबूत होगा, दावेदार भी मजबूत होंगे और हकदार भी मजबूत होगा। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से फैजी पक्की खबर चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।